तेरी भाभी को बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। आजा। भाई हम छोटे भाई का पीछा कर रहे हैं, पुलिस वाला भी साथ है। ए, जब तक वो साथ में उसे हाथ मत लगा, साला आतंकी है, अगर वो गाड़ी से उतरे तो उठा ले साले को। ठीक है चलता हूँ भैया। बाय। संभल कर। सर सर प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए। अरे बॉस रुको ना, रुको एक मिनट बॉस, बेचारे जानवर को चोट लगी है, इसकी हालत खराब है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दो। ठीक है बैठ। थैंक यू बॉस। भाई उठाया क्या? उठा लिया भाई, हमारे साथ जीप में ही बैठा हुआ है। भाई अब इसका क्या करना है? साले को कारखाने ले आ। ठीक है भाई। बॉस यहाँ आगे से राइट ले, इस जंक्शन से सीधा जाना। हाँ अब उस सर्कल पे राइट ले लेना। अरे बॉस ये राइट था। अरे बॉस ये राइट लेना है। ए, सीधा कारखाने लेकर चल। परफ्यूम कौन सा है? पॉइजन। तू कौन सा लगाता है बे? हाँ साबुन लगाता हूँ। साबुन लगाता है? देखा तूने साबुन और परफ्यूम में क्या फर्क है, इनमें से किसी को नहीं पता। मैंने लाखों खर्च करके ऐसे जाहिल लोगों को पाल रखा है और साले तेरे भाई ने एक झटके में मेरा करोड़ों का माल पकड़ लिया। तुझे क्या लगता है इसकी सजा उसे नहीं मिलेगी? SI को फोन लगा बे। हेलो SI शिव प्रसाद स्पीकिंग। SI तेरा एक भाई है जो इस वक्त लापता हो चुका है, वो मेरा मेहमान है, ले बात कर। भैया मैं तेरे भाई से मुझे कोई लेना देना नहीं, इसके बदले मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, बस मेरा माल लौटा दे। देखा अपने भाई के किडनैप होने की खबर सुनने के बाद भी सर कितने आराम से बैठे हैं। सर के लिए अपनी ड्यूटी ज्यादा जरूरी है। सर वो बदमाश है, आपके भाई की जान जा सकती है। SP ऑफिस को फोन करके स्पेशल फोर्स भेजने के लिए कहूँ? नो गो। करवा दिया ना अपना पोपट, ये तो खुद ही एक फोर्स है, इन्हें भला फोर्स की क्या जरूरत। ये दरअसल तूफान के पहले की शांति है। नहीं तूफान नहीं, अब ये तूफान सुनामी में बदलने वाला है, देख लेना। वो मानने को तैयार नहीं है, इसकी बलि चढ़ानी होगी। देखो नहीं दादा ऐसा मत कीजिए, मैं अपने भैया से बात कर लेता हूँ, वो मेरी बात पक्का मान जाएंगे। प्लीज दादा प्लीज एक बार मेरी बात करवा दीजिए, वो मेरी बात मानेंगे पक्का। दादा प्लीज। यही डर मैं तेरे भाई में देखना चाहता। इसके भाई से इसकी बात कराऊं क्या? इसकी बात करा, उसको बोल जल्दी इधर आने को, भाई की हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। इंस्पेक्टर शिव प्रसाद स्पीकिंग। हेलो भैया मेरी बात सुनो, मैं चारों तरफ गुंडों से घिरा हुआ हूँ, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है, इन्हें जो चाहिए दे दीजिए और मुझे इनसे छुड़ा लीजिए। भैया क्या कहा? ठीक है भैया, ओके समझ गया ठीक है। क्या बोला वो? भैया ने कहा कि वो माल लेकर नहीं आएंगे, हमारी रगों में एक ही खून बहता है। उन्होंने कहा बिल्कुल मत डर, कहा कुत्ते भौंकते हैं तो उन्हें भौंकने देना। भौंकने से मतलब? भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है ना, इसीलिए। कुत्ता, उसे पता नहीं जंगली कुत्ता काटता है तो बहुत दर्द होता है। दादा ए! दादा साले की उंगलियां काट के इसके भाई को भेज दो। नहीं दादा, दोनों की रगों में एक ही खून है ना, उंगली यहाँ कटेगी दर्द वहाँ होगा। अरे दादा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। देख लिया ना भाई की पूरी तरह हट गई है, अपना अंगूठा दे और घर जा। दादा,
एक बार मना किया तो समझ में नहीं आता क्या? याद रहे तुम्हारा एक भी वार खाली नहीं जाना चाहिए। मजा आ रहा है कि नहीं? बग्गा, सुना है कि एसआई ने तेरा माल उठाया और तूने उसके भाई को? हाँ, अब बड़ा भाई खुद सामान मेरे पास लाएगा। अरे क्या आइडिया है बग्गा, सामान आने से पहले छोटी सी फिल्म देख लेना। ए, भाई को वीडियो दिखा। उसने मेरे आदमियों को मारा और माल तेरा ले गया। अड्डे पे चल। उधर मैं नहीं उतरूंगा। कहाँ जाएगा यार, तुम मेरी धुलाई करोगे? सर मैं एचएसबीसी बैंक से बोल रही हूँ, हमारे बैंक में अकाउंट खोलेंगे? फिलहाल मैं एक अकाउंट क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में फोन कीजिए। ओके सर। अंधा है क्या? तक मैं असली को छोड़ के नकली के पीछे भागता रहा, अब नकली ही मुझे असली तक पहुंचाएगा।
उसने रूल्स बदल दिए। मैं गेम ही बदल दिया। जल्दी करो, लड़का आने ही वाला है। ए भारती, ए भारती, भारती, मेरी बात सुनो। चोरों की तरह मेरे घर में क्यों झांकते हो? मुझे बताओ क्या जानना है? आपके घर में मैं क्यों झांकूं? कोई भी आए जाए उससे मुझे क्या? मैं तो बस खड़ा होकर हवा खा रहा हूँ। आज जमाई राजा आ रहे हैं। जमाई राजा आ रहे हैं तो मैं क्या नाचूं? बेचारे पुलिस वाले को फांस लिया। अरे बड़े वाले नहीं, छोटे वाले, फॉरेन से आ रहे हैं। ओ, फॉरेन यानी नेपाल? नहीं भाई, अमेरिका। अमेरिका? अच्छा, वहाँ पेट्रोल पंप पे काम करता है ना? नहीं, पेट्रोल पंप का मालिक है। इसे मैं फंसाऊंगा। हे गणेश। हे नंदिनी, हाउ आर यू? बहुत स्मार्ट लग रहे हो। ऑफ कोर्स, आई एम इन द यूएसए फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हाट इज हैपनिंग? मेकिंग डॉलर्स, व्हाट एल्स? गणेश, ही इज माय हस्बैंड शिवा। हेलो, नमस्ते। ही इज अ पुलिस इंस्पेक्टर। ओह, पांचू मामा, आई लाइक इट। कैसे हो बेटा? गणेश, इनको पहचाना? ग्रैनी, आपको बचपन में देखा था। अपने बचपन में या इनके? आई एम कार्तिक। आई एम गणेश। पता है, गणेश हमेशा स्कूल में फर्स्ट आया करता था। अभी अमेरिका में है, इसके पास ग्रीन कार्ड भी है। जानते हो इसकी इनकम क्या है? महीने की 10 लाख। हे नंदू, नंदू, दैट्स लॉन्ग बैग। अभी 15 लाख है, यू गॉट इट? ये जी, सुना तुमने? हाँ, तुम्हारी बहन तो लकी है। ऑफ कोर्स। हे, तैयार हो गई? गणेश, पल्लवी। आई नो, शी इज फीलिंग शाय, आई लाइक इट। कैसी लगी तुम्हें? She's gorgeous. लाखों में एक है। अच्छा, तो फिर हमें शादी की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। हेलो, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? शादी के लिए आपको मेरे पेरेंट्स से बात करनी होगी, उसके बाद वो टिकट काउंटर से टिकट बुक कराएंगे। इस मामले में जल्दबाजी नो। शादी करना कोई बच्चों का गेम नहीं है। बॉस को मस्का मार के मैंने जो छुट्टी ली है उसको मैं वेस्ट नहीं करूंगा। फायदे की एक एक बूंद निचोड़ लूंगा। मैं पल्लवी को एकदम करीब से जानना चाहता हूँ। तो फिर क्या किया जाए गणेश? You know, पल्लवी के साथ मुझे डेटिंग, आउटिंग, मीटिंग, लेटिंग सब करना होगा, तभी तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना। आई मीन विद योर परमिशन, हाँ नंदू, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नो प्रॉब्लम, तुम जहाँ चाहो पल्लवी को अपने साथ ले जा सकते हो। थैंक्स। आप क्या कहते हैं जी? हाँ, गुड, वेरी गुड। वो बीच पर एक नया ढाबा खुला है ना, वहीं चले जाओ। वहाँ नहीं भैया, तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे भैया जो कहते हैं करो। जहाँ जाना है बता दो, ये तुम्हें लेकर जाएगा। ओके। वैसे भी इसके पास कोई काम नहीं, फालतू बैठा रहता है। फालतू? यू मीन फोकट? ये फीलिंग होती कैसी बॉस? आई मीन आई नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, यू नो। कुछ दिन जब एक साथ घूमेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। रियली? हाँ। अरे बेटा, दो नारियल पानी देना। दादा पट्टू एसआई।